नमस्ते, मैं आयुषी गुप्ता जालना महाराष्ट्र से। सबसे पहले मैं DAV इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तथा टॉप शेफ डॉक्टर इज्जत हुसैन को थैंक यू बोल रही हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम कुछ ट्रेडिशनल डिश बनाएं। मेरी ट्रेडिशनल डिश का नाम है गोंद के लड्डू। ये लड्डू ठंडी में बहुत ही एनर्जेटिक और हेल्दी रहते हैं। चलिए रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आटा भूनने के लिए 1 कप घी लिया है। 1/4 कप भूरा शक्कर लिया है, आप पीसी हुई शक्कर भी ले सकते हैं। 1/2 कप गोंद लिया है। गोंद सेकने के लिए मैंने 3/4 कप घी लिया है। लड्डू में डालने के लिए 8 से 10 काजू के टुकड़े, बादाम के टुकड़े और इलायची पाउडर। पहले गैस ऑन करते हैं। अब मैं इसमें 1 कप गाय का घी डाल रही हूँ। अब इसमें 2 कप आटा डाल रही हूँ। इसे मैं कंटिन्यूस हिलाऊंगी। मैंने ये तुरंत आटा इसलिए डाल दिया क्योंकि मेरा घी पिघला हुआ था। अगर आपका घी जमा हुआ है तो पहले आप घी पिघला लीजिए, फिर आप आटा डालना। इसे लो मीडियम आंच पे कंटिन्यू सेकते रहेंगे। अब ये लड्डू का आटा हल्का भुनेरा रंग का हो गया है। इसमें से धीमी धीमी आटा सिकने की भी खुशबू आ रही है। अब इसे एकदम मंदी आंच में करके साइड गोंद तल लेते हैं। उसके लिए मैंने गैस ऑन किया है और ये घी डाल दिया है। जब तक कि ये घी गर्म होता है तब तक कि ये लड्डू को चलाते जाएंगे। अब ये घी गर्म हो गया है, अब इसमें मैं गोंद डाल के तल लेती हूँ। तेज आंच में इसे तलना है, ये अच्छे से फूक जाते हैं। देखिए कितने अच्छे से हो रहे हैं ये। इसे कंटिन्यू ऐसे थोड़ा आप हलाते रहिए। अब इसे मैं निकाल रही हूँ, थोड़ा सा इसे ऐसे करके निकाल लीजिए। लीजिए अब ये गोंद तल लिए हैं। इसमें 2 चीज की ध्यान रखना चाहिए, एक तो हाई मीडियम फ्लेम में सेकना चाहिए और गोंद एकदम ड्राई चाहिए। आटा सिक चुका है, देखिए कितने सुनहरे रंग का दिख रहा है। इसमें से धीमी धीमी खुशबू भी आ रही है आटा सिकने की। अब इसमें गोंद डाल देते हैं और मिला लेते हैं। अब इसमें ये अपने टुकड़े किए हुए काजू, बादाम भी डाल देते हैं और इलायची पाउडर भी डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट इसमें अभी इसलिए डाल रहे हैं कि इसमें अगर मॉइस्चर रहा तो वो चला जाएगा। अब ये सब अच्छे से मिल चुका है। अब गैस बंद कर देते हैं, फिर भी इसे थोड़ा सा हलाएंगे। जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा तब इसमें भूरा शक्कर मिलाएंगे। अब इसमें मैं भूरा शक्कर डाल के मिला लेती हूँ। इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। अब ये आटा और भूरा शक्कर अच्छे से मिल गया है। अब इसका छोटा छोटा पोर्शन लेके लड्डू बनाएंगे। मैं मीडियम साइज के लड्डू बना रही हूँ, आप आपकी इच्छा से बड़े छोटे लड्डू बना सकते हैं। इस तरीके से हम छोटे छोटे मीडियम साइज के एनर्जेटिक हेल्थी लड्डू गोंद के तैयार कर रहे हैं। लीजिए तैयार है गोंद के हेल्दी और एनर्जेटिक लड्डू। थैंक यू।